दोस्तों कभी सोचा आपने कि 145 करोड़ आबादी वाला मुल्क भारत ओलंपिक के पदक जीतने के मामले में इतना पीछे क्यों है? क्यों हमको हर बार ओलंपिक में एक आध सिल्वर, एक आध ब्रॉन्ज या कभी कभार एक गोल्ड मेडल मिल जाता है? इसके अलावा हम सब खेलों में जीरो साबित होते हैं। कभी गौर किया आपने कि हमारे पास ऐसे धावक क्यों नहीं हैं जो ओलंपिक के मैराथन में दुनिया के दूसरे खिलाड़ियों को मात दे सके? क्यों हमारे पास ऐसे तैराक नहीं हैं जो ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को हरा सकें? और ऐसा क्या है कि कभी कभार अगर हमारे रेसलर जी जान लगाकर फाइनल तक पहुंच भी जाएं तो ऐन वक्त पर पता चले कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है? आइए इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को शुरू करने के साथ ही मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक खेलों का वो महाकुंभ है जो हर चार साल में एक बार आयोजित होता है और इसमें दुनिया के पांच महाद्वीपों के तकरीबन 200 देश भाग लेते हैं। इस दुनिया के 220 में से तकरीबन 200 देश ओलंपिक में हर साल भाग लेते हैं। और अगर मैं बात करूँ इस साल के ओलंपिक भी तो इस बार ओलंपिक में लगभग 11,000 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। तकरीबन 330 प्रतिस्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने जोर आजमाइश करी, जिसमें लगभग 1000 पदक दांव पर थे, जिनमें कुछ गोल्ड मेडल, कुछ सिल्वर मेडल और कुछ कांस्य मेडल शामिल थे। लेकिन ऐसी क्या विडंबनाएं हैं कि हमारा देश 125 सालों के इतिहास में अब तक महज 40 पदकों के पास पहुंचा है? मैं आपको बता दूं कि भारत ने सबसे पहले ओलंपिक में सन 1900 में भाग लिया था और अब जब 2024 आ चुका है तो इन 125 सालों के इतिहास में हम क्यों महज 40 पदकों तक पहुंच चुके हैं, जिनमें 10 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर मेडल और 20 कांस्य मेडल शामिल है। और अगर मैं बात करूं हमारे पड़ोसी मुल्क चीन की, तो चीन सिर्फ एक ओलंपिक में हमसे ज़्यादा गोल्ड मेडल ले जाता है, यानी 40 से ज़्यादा तो वो गोल्ड मेडल ले जाता है हर साल, और हम इतने पीछे क्यों? जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्या कारण रहे होंगे कि हमारे पास बहुत सारे खेलों में खेलने के लिए खिलाड़ी नहीं है या है भी तो सिर्फ नाम के, क्यों हम गिने चुने खेलों में ही पदक जीत पाते हैं, क्यों हम सिर्फ हॉकी में एक आध पदक लेते हैं, क्यों हम सिर्फ शूटिंग में एक आध पदक लेते हैं, क्यों हम सिर्फ कुश्ती में एक आध पदक लेते हैं या कभी कभार बैडमिंटन या भाला फेंक में? इसके अलावा बाकी सभी प्रतिस्पर्धाओं में, यानी 96% प्रतिस्पर्धाओं में हम जीरो हैं। कभी आपने सोचा है कि क्यों हमारे पास ऐसे धावक नहीं हैं जो मैराथन दौड़ में केन्या को हरा सके, जबकि आपको पता है कि केन्या होने को साउथ अफ्रीका महाद्वीप का एक इतना सा देश है जिसको अगर आप गौर से नहीं देखो तो शायद आपको मैप पर दिखे भी नहीं, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे धावक हैं जो पूरी दुनिया को मात देते हैं। मैराथन की 42 किलोमीटर की दौड़ में फर्स्ट और सेकेंड आते हैं। क्यों हमारे पास ऐसे धावक नहीं हैं जो ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में हरा सकें, जबकि ऑस्ट्रेलिया का एक एक तैराक एक ओलंपिक में 8-8 गोल्ड मेडल ले जाता है? और होने को तो हमारे देश के कई राज्य हर साल पानी में डूबते हैं, हर साल वहाँ बाढ़ आती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास ऐसे तैराक क्यों नहीं है? आइए इतना सब कुछ जानने के बाद इस वीडियो के मेन पॉइंट पर पहुँचते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में इसके पीछे असली कोज क्या है। तो जैसा कि मैंने रिसर्च करी है, मैंने इस बात के कैलकुलेशन पर मैं पहुंचा हूं कि इसके पीछे सबसे पहला और मूल कारण है क्रिकेट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यदि आप क्रिकेट के प्रशंसक हैं तो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि BCCI सबसे ज़्यादा पैसे वाला बोर्ड है इस दुनिया में और भारत में क्रिकेट के खिलाड़ियों पर इतनी बारिश होती है। आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि IPL की हर बॉल लाखों रुपए की फेंकी जाती है, तो भारत का हर माँ बाप ये सोचता है कि अगर मेरा बेटा स्पोर्ट्स में जाएगा तो सिर्फ क्रिकेटर बनेगा, क्योंकि वहाँ नाम, फेम और पैसा है। और इसी चकाचौंध में और खेल इतने पीछे हो जा रहे हैं कि हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। और इसके अलावा दूसरा और सबसे अहम कारण है खेलों में राजनीति का शामिल होना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ। भारत के BCCI के चीफ हैं, आपको पता होगा, जय शाह, जो अमित शाह के बेटे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गृह मंत्री के। खेलने को कभी जय शाह ने शायद गली क्रिकेट के अलावा क्रिकेट नहीं खेला होगा, लेकिन वो भारतीय BCCI का सेक्रेटरी है, तो अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे आदमी ने कभी गली क्रिकेट भी नहीं खेला होगा, वो अगर सेक्रेटरी है इतनी बड़ी संस्था का, तो वो क्या ही खेलों में निहाल कर सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा पिछला साल 2023 में भारत के खिलाड़ियों ने प्रोटेस्ट किया था, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के साथ बहुत सारे रेसलर सड़कों पर बैठे थे कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, और वो भी
बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने। लेकिन क्या हुआ, उनको सड़कों पर जिस तरीके से उनको प्रोटेस्ट को दबाया गया, सरकार के प्रधानमंत्री ने उनसे बात तक करना मुनासिब नहीं समझा और दिल्ली पुलिस ने उनके प्रोटेस्ट को जिस तरीके से कुचला गया, उनकी एक बात नहीं सुनी गई, तो कल को कौन खिलाड़ी बनना चाहेगा, कौन खेलों में अपना करियर बर्बाद करना चाहेगा, जब आप अपनी जायज़ मांग को मनवाने के लिए सड़कों पर उतरे और आपके साथ आतंकवादियों की तरह बिहेव करा जाए। और इसके अलावा तीसरा जो कारण है वो दूसरे ही कारण से जुड़ा हुआ है कि एक दो राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में खेलों के प्रति भयंकर रुचि है। अगर मैं बात करूं, इस साल 117 ओलंपिक खिलाड़ी गए हैं ओलंपिक में भाग लेने के लिए भारत की तरफ से, उनमें से 40% खिलाड़ी सिर्फ पंजाब और हरियाणा से है, तो फिर बाकी राज्यों का क्या, बाकी राज्यों में खेलों के प्रति इतनी रुचि क्यों? होने को तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है, लेकिन वहाँ से दो खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेने के लिए गए हैं, ये वास्तव में शर्मनाक है। तो इस वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आपको ये पता लग गया होगा कि आखिर मैं जो कहना चाहता हूँ उसका मतलब आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे कॉन्टेंट मैं बनाता रहता हूँ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।